बड़ी खबर सामने आ रही है, अरविंद केजरीवाल कल जेल से बाहर आएंगे या नहीं, कल सुप्रीम कोर्ट इस पर बड़ा फैसला सुनाएगा। सुप्रीम कोर्ट 13 सितंबर को फैसला सुनाने वाला है और अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट कल किसी भी वक्त बड़ा फैसला सुना सकता है। बहरहाल ऐसे में तमाम जो पूरे देश में आम आदमी पार्टी के नेता हैं, कार्यकर्ता हैं, उनकी निगाहें अब कल सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जाकर टिक गई है। ऐसे में सवाल ये उठ रहा है कि क्या सुप्रीम कोर्ट की तरफ से कल अरविंद केजरीवाल को राहत मिलेगी, क्या अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलेगी। जमानत अगर सुप्रीम कोर्ट देता है तो किन किन शर्तों के साथ जमानत देता है, और अगर सुप्रीम कोर्ट से कल अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो पूरे आम आदमी पार्टी के लिए, इंडिया अलायंस के लिए ये राहत भरी खबर होगी, क्योंकि इस समय हरियाणा में भी चुनाव है, जम्मू कश्मीर में भी चुनाव है। अगर हरियाणा के चुनाव की बात की जाए तो आम आदमी पार्टी ने पूरी ताकत झोंक दी है। अभी तक 70 प्लस उम्मीदवारों की कैंडिडेट की घोषणा हो चुकी है और अगर कल सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की जमानत पर बड़ा फैसला सुनाता है तो ये आम आदमी पार्टी के लिए, खास करके अरविंद केजरीवाल के लिए राहत भरी खबर होगी। सीबीआई केस में कल सुप्रीम कोर्ट बड़ा फैसला सुनाने वाला है। आबकारी नीति से जुड़े सीबीआई मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर सुप्रीम कोर्ट कल यानी कि 13 सितंबर को फैसला सुनाएगा। इससे पहले पिछली सुनवाई में सुप्रीम कोर्ट ने अरविंद केजरीवाल की जमानत और सीबीआई द्वारा गिरफ्तारी को रद्द करने की याचिकाओं पर फैसला सुरक्षित रख लिया था। कल फैसला हो जाएगा कि सीएम केजरीवाल जेल से बाहर आएंगे या फिलहाल अभी भी उन्हें जेल में ही रहना होगा। आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की नजरें सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर जाकर टिक गई है। अगर अरविंद केजरीवाल को जमानत मिलती है तो इससे दिल्ली के विकास कार्यों में तेजी आएगी और आबकारी मामले में पिछले 5 महीनों से दिल्ली की तिहाड़ जेल में अरविंद केजरीवाल फिलहाल न्यायिक हिरासत में है। आपने वो तस्वीरें भी देखी होगी कि किस तरीके से दिल्ली में सियासी उथल पुथल इस समय मचा हुआ है। यहाँ तक कि बीजेपी के विधायकों ने दिल्ली में राष्ट्रपति शासन की मांग को लेकर अरविंद केजरीवाल सरकार को बर्खास्त करने को लेकर राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू को चिट्ठी लिखी। बाकायदा राष्ट्रपति ने ये चिट्ठी गृह मंत्रालय को सौंप दी और इसके बाद आशंका लगाई जा रही थी कि किसी भी वक्त केजरीवाल सरकार पर गृह मंत्रालय कोई बड़ा फैसला ले सकती है। तमाम सियासी घमासान के बीच अब सबकी निगाहें कल पर जाकर टिक गई है कि सुप्रीम कोर्ट अरविंद केजरीवाल की जमानत पर क्या फैसला सुनाती है। ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। तस्वीरें भी हम आपको दिखा रहे हैं, पूरे आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं में इस समय एक अलग ही जोश, उमंग और उत्साह नजर आ रहा है। वो भी इसलिए क्योंकि इससे पहले जब सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई हुई थी तो इस दौरान केजरीवाल की जमानत पर फैसला सुरक्षित रख लिया था सुप्रीम कोर्ट में और कल माना जा रहा है कि संभवतः सुप्रीम कोर्ट से अरविंद केजरीवाल को जमानत मिल सकती है, बड़ी राहत मिल सकती है। और ऐसा इसलिए हम कह रहे हैं क्योंकि इसी सर्वोच्च अदालत से, इसी सुप्रीम कोर्ट से जितने भी कथित आबकारी नीति के मामले में जितनी भी नेताओं की गिरफ्तारी हुई थी सभी को इसी अदालत से जमानत मिली है, चाहे वो विजय नायर हो या फिर बात की जो है संजय सिंह हो, सिसोदिया हो, की कविता हो, लगभग सभी नेता जो है आबकारी नीति से जुड़े मामले में जेल से बाहर आ चुके हैं। और अब कल का दिन बेहद अहम रहने वाला है आम आदमी पार्टी के लिए, कल का दिन बेहद महत्वपूर्ण है पूरे आम आदमी पार्टी के लिए। ऐसे में कल सुप्रीम कोर्ट क्या फैसला सुनाता है दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की जमानत पर, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण
पूर्ण होगा। संभवतः उम्मीद जताई जा रही है कि कल अरविंद केजरीवाल को सुप्रीम कोर्ट की तरफ से बड़ी राहत मिल सकती है, सुप्रीम कोर्ट से जो है उनको जमानत मिल सकती है। लेकिन सवाल यही कि किन शर्तों के साथ जमानत दी जाएगी, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा। जिस तरीके से पिछली सुनवाई के दौरान अभिषेक मनु सिंघवी ने ताबड़तोड़ दलीलें दी थी, इस दलीलों में कितना दम है वो कल क्लियर हो जाएगा। और इसी पर ज़्यादा बातचीत के लिए सीधे ग्राउंड जीरो से हमारे सहयोगी रानू मिश्रा फोन लाइन पर जुड़ गए हैं। रानू, कल का दिन बेहद अहम है, क्या ये माना जाए कि सुप्रीम कोर्ट केजरीवाल की जमानत पर कल बड़ा फैसला सुना सकता है? बिल्कुल, कल सुप्रीम कोर्ट में ये बड़ा फैसला सुनाया जाएगा क्योंकि सुनवाई पूरी हो चुकी है और फैसला सुरक्षित है अरविंद केजरीवाल पर। तो ये सीबीआई मामले में कल सुप्रीम कोर्ट फैसला सुनाएगा और क्या फैसला आएगा ये देखना बड़ा महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि लगातार अरविंद केजरीवाल की जमानत को लेकर सियासी महाभारत छिड़ा हुआ है। तो जाहिर सी बात है, ईडी मामले में उन्हें पहले ही जमानत मिल चुकी है, अब सीबीआई मामले में उन्हें जमानत मिलनी है और इस मामले पर बीते दिनों सुनवाई पूरी हो गई थी, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने सीबीआई को नोटिस जारी किया था और कुछ सवालों के जवाब दाखिल करने के लिए कहा गया था, स्टेटस रिपोर्ट भी मांगी थी। अब इधर देखिए, कल सुप्रीम कोर्ट जो है जमानत पर फैसला सुनाएगा। अगर यहां से केजरीवाल को राहत मिलती है तो यकीन मानिए वो बहुत बड़ी राहत होगी, लेकिन यहां से अगर केजरीवाल को झटका मिलता है तो मानिए कि दरवाजे उनके लिए फिलहाल के लिए बंद हो जाएंगे, आगे वो ट्रायल कोर्ट में दोबारा से एप्लीकेशन दायर कर सकते हैं। लेकिन बड़ी चीज ये है, ईडी मामले में वो पहले से ही देश की सर्वोच्च अदालत सीसी सुप्रीम कोर्ट से जमानत पर है और देखना यह है कि सीबीआई केस में क्या सुप्रीम कोर्ट जमानत देगा या नहीं देगा। लेकिन बीते दिनों जिस तरीके से सुनवाई हुई थी और दलीलें दी गई थी दोनों पक्षों की तरफ से, उसको देखकर लग रहा है कि केजरीवाल को राहत मिल सकती है, लेकिन मिलेगी तो कितनी शर्तों के साथ मिलेगी ये भी देखने वाली बात होगी, क्योंकि अभी अगर राहत मिल जाती है केजरीवाल को तो वाकई में आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी राहत होगी, क्योंकि हरियाणा में चुनाव है, जम्मू कश्मीर में चुनाव है, हरियाणा में आम आदमी पार्टी अकेले सभी 90 सीटों पर विधानसभा का चुनाव लड़ रही है। तो ऐसे में कहीं ना कहीं अरविंद केजरीवाल का बाहर आना, अगर जमानत मिल जाती है तो आम आदमी पार्टी हरियाणा में कुछ अच्छा प्रदर्शन कर सकती है, क्योंकि आम आदमी पार्टी के राष्ट्रीय संयोजक हैं अरविंद केजरीवाल और उनकी जमानत पर ही जो है कह सकते हैं सबकी निगाहें बनी हुई है, खासकर आम आदमी पार्टी के नेता और कार्यकर्ताओं की। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।